नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात वीर सिंह के साथ। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक विषय चर्चा का बना हुआ है कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शरद पवार की पार्टी NCP को एक बड़ा ऑफर दिया है। AIMIM ने NCP को आगामी चुनावों के लिए गठबंधन का ऑफर दिया है। AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा है कि BJP अगर कहीं जीतती है तो उसका ठीकरा AIMIM पे फोड़ते हैं। हमें BJP की बी टीम कहा जाता है, इसलिए हमने NCP के साथ आने का न्योता दिया। इसके लिए NCP नेता राजेश टोपे से मुलाकात भी हुई। कहीं पर भी कोई भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है तो उसका ठिकड़ा जो है वो हमारे ऊपर फोड़ा जाता है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मंत्री को मैंने ये प्रस्ताव दिया कि ये बार बार जो हमारे ऊपर रोया जाता है कि MIM की वजह से BJP जीत गया, MIM बी टीम है, तो मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि मैं बोला चलिए हम आपके साथ आ जाते हैं तो एक मर्तबा के लिए खत्म ही हो जाएगा मामला। हम आपकी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस है, NCP है, हम उनके साथ आते हैं तो ये इल्जाम हमारे ऊपर से परमानेंट हट जाएगा करके, तो ये प्रस्ताव मैंने इस हिसाब से उनको दिया है। वहीं शिवसेना मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सत्ता खो देंगे लेकिन AIMIM के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि गांव गांव तक शिवसेना के विचारों को पहुंचाओ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिवसेना आज उन तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन में है जिनके खिलाफ बाला साहब ठाकरे थे। इसका मतलब है कि जब बाला साहब ठाकरे थे तो शिवसेना की विचारधारा अलग थी और अब उद्धव ठाकरे की विचारधारा अलग है। अब सवाल ये है कि शिवसेना प्रमुख किन विचारधाराओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, या तो अपनी विचारधाराओं को पहुंचाने की बात कर रहे हैं या फिर अपने पिता की विचारधाराओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। AIMIM के NCP के इस ऑफर पर पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस गठबंधन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, महाराष्ट्र की जनता मोदी जी के साथ है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि AIMIM और BJP एक सीक्रेट अलायंस है और जो ऑलरेडी एक सीक्रेट अलायंस है उन्हें हम दूर से नमस्ते करते हैं। देखिए, वैसे भी ये सारे लोग एक ही है और MIM अगर इनके साथ जुड़ता है तो कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। इसका कारण लोगों का विश्वास मोदी जी पर है, लोग मोदी जी को देखकर हमको वोट करते हैं, हमारे काम को देखकर वोट करते हैं। ये सारे साथ में आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। इतना ही देखना है कि शिवसेना और MIM किस प्रकार से साथ में आते हैं। मुझे लगता है वैसे भी शिवसेना ने अजान स्पर्धा शुरू कर दी है, जनाब बाळासाहेब ठाकरे कहना शुरू कर दिया है, तो शायद आ भी सकते। इम्तियाज जलील जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारी भी उनकी दिल्ली में मुलाकात होती है। किसी के साथ मुलाकात होगी उसका मतलब अलायंस हो गया, ऐसा नहीं होता। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में 3 पार्टी की सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, चौथा उसमें कोई नहीं आएगा, 3 ही रहेंगे। दूसरी बात है MIM, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ये हमेशा महाराष्ट्र के युग पुरुष और आदर्श रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से ही शिवसेना बनी है और आगे काम करते रहे। तो ऐसे औरंगजेब के सामने घुटने टेकने वाली, उनके कब्र के सामने घुटने टेकने वाली जो पार्टी है उनके साथ हमारा कैसा अलायंस होगा, आप सोच भी कैसे सकते हो? ये सोचना भी गलत है, ये सोचना एक बीमारी है। और दूसरी बात, MIM और उनके नेता और BJP के साथ एक सीक्रेट अलायंस है। UP में आपने देखा होगा तो जो ऑलरेडी BJP के साथ सीक्रेट अलायंस में है उनके साथ हम दूर से ही उनके नमस्कार। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे जिनके खिलाफ रहे हैं, जिनकी सोच उनकी जिन विचारधाराओं के खिलाफ वो लड़ते रहे हैं, क्या आज उनका पुत्र सरकारी गद्दी के लिए अपने पिता की विचारधाराओं को छोड़ चुके हैं, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जब शिवसेना कांग्रेस और NCP के साथ गठबंधन कर सकती है तो क्या AIMIM के साथ भी गठबंधन कर सकती है, यह भी एक बड़ा सवाल इस वक्त चर्चे में है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि आगामी चुनाव में महाविकास आघाड़ी के इस गठबंधन से शिवसेना के वोट प्रतिशत में कमी आ सकती है। अब चर्चा का विषय अभी तो नहीं है क्योंकि आने वाले चुनाव के बाद जो नतीजे होंगे उन नतीजों के बाद हम देखेंगे कि आखिर वास्तविकता क्या है, उसके बाद ही इस पर चर्चा किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल
AIMIM के इस न्योते से महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में एक खलबली मची हुई है जो पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सियासत में एक चर्चे का विषय बना हुआ है। आप देखते रहें BCN न्यूज़। जय हिंद।